हाँ तो माइनक्राफ्ट के फैंस कैसे हो सबके सब। तो आई होप सब बच्चों के तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने लेके आ गया हूँ एक कमाल का वीडियो। तो भाई आज मैं एक शेडर पैक के बारे में बात करने वाला हूँ और ये कमाल का एक शेडर पैक है। वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि एंड में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, नहीं तो आप सभी को दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। और रिव्यू करेंगे पूरा शेडर का, नेदर वेदर देखेंगे, इसमें नेदर कैसा दिखता है, सारे टूल्स कैसे दिखते हैं, ये सभी हम देखने वाले हैं। जो अभी आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हो ये वाली शेडर नहीं है, ये दूसरी शेडर है, इसका नाम है एनर्जी शेडर। अगर आप ये वाली शेडर आपको अच्छी लग रही है जो मैंने अभी अप्लाई कर रखी है, ओके, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर, आप जरूर से देखिए उस वाले वीडियो को, आप सभी को वहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आज तो मैं दूसरी शेडर के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक एडवांस लेवल की शेडर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसमें वाटर काफ़ी अच्छा दिखता है ऐसा मैंने सुना है। अब हम देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना अच्छा है या नहीं है, ऐसे कैसे बता दे भाई अच्छा है बुरा है किस चीज़ के बारे में, किस एडोन के बारे में, जब तक हम खुद ना देख लेना ऐसे बता नहीं सकता मैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो रिव्यू करेंगे पूरा, मतलब बोलते हैं लोग उसके बारे में काफ़ी अच्छा। तो भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं शेडर के नेम के ऊपर। तो नेम भी इसका कुछ अलग ही टाइप का एक नेम है, आप सभी काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब नेम भी अच्छा है। तो इसका नाम है स्काईलैक शेडर पैक, स्काईलैक, ओके, मतलब कमाल का ऐसा समय आप सभी को। मैं तो मानता हूँ जहाँ तक मैंने उसके स्क्रीन शॉट देखे शेडर के तो काफ़ी अच्छा है यार। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी होम स्क्रीन पर जाने वाला हूँ मैं। होम स्क्रीन पर जाके क्या करूँगा, होम स्क्रीन पर जाके मैं आपसे ये सब दिखाऊंगा कि उसको सेटअप कैसे करते हैं एंड वगैरह वगैरह जो वहाँ पर होगा वो सब देखेंगे अपने यार। तो चलते हैं फटाक से होम स्क्रीन पर। हाँ तो भाई लोग आप सभी देख सकते हो मैं आ गया हूँ फिर से माइनक्राफ्ट के अंदर और अभी मैं हूँ होम स्क्रीन पर। वर्जन मेरा चेक कर सकते हो, ये वाली शेडर पैक इसी वर्जन में काफ़ी अच्छी वर्क करेगी। अगर आप नीचे जा सकते हो तो जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा नीचे मत जाना, मतलब 1.13 के आसपास मत जाना और आप सभी की शेडर पैक अच्छा वर्क करेगी। आप सभी यहाँ से प्ले बटन पे क्लिक करना है, जिस वर्ल्ड में आप इसको अप्लाई करना चाहते हो उस वर्ल्ड को सेलेक्ट करना। मैं अभी न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ से न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करते हैं और एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको रिसोर्सेस में जाना है यहाँ से और यहाँ से माई पैक समझा के इसको आप सभी को अप्लाई करना है। ये स्काईलैक शेडर यहाँ से 1.2 वर्जन है, इसको अप्लाई कर देना है और मैं इसको अभी क्रिएटिव में कर लेता हूँ और आपको प्ले बटन पर क्लिक करना है। अब भाई देखते हैं ये शेडर कैसे दिखती है, मतलब इसमें क्या क्या अलग है। वैसे माइनक्राफ्ट के लिए बहुत सारी आपसे वो शेडर्स मिल जाएगी, लेकिन उसका दिक्कत क्या होता है, कोई शेडर हायर एंड डिवाइसेस के लिए होती है। अगर आपका डिवाइस थोड़ा लो है, आपकी रैम कम है, तो वो लैग करेगा आप सभी के लिए। तो भाई ये शेडर कैसा है अभी देखते हैं, लैग करता है या नहीं करता, क्या है इसका पूरा माजरा देखते हैं। ओके, ओ वाओ नाइस स्काई, देख सकते हो स्काई काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक मिनट वेट अ सेकेंड, वाह अच्छा यार, लेकिन थोड़ा हैवी लग रहा है ना। हाँ मेरे को भी लग रहा है, आपको नहीं लग रहा, मेरे को खुद को लग रहा है थोड़ा हैवी। और इसका पानी देख सकते हो, इसका पानी है कुछ ऐसा दिख रहा है। आप सभी कमेंट करके बताना आप सभी को पानी का टेक्सचर कैसा लगा। ओके, ओ भाई नीचे देखो अक्सर दिखने वाला पानी आप सभी को, तो थोड़ा सा लैगी है ये, देख सकते हो मेरे में थोड़ा लैगी है, लेकिन मेरे डिवाइस के अभी 6 GB रैम है, फिर भी थोड़ा लैगी है ये, तो लैग कर सकता है, मैं बोल नहीं सकता कुछ। ओके, माइनक्राफ्ट का वर्जन में भी लैग कर रहा है, इसलिए शेडर की वो गलती नहीं है ऐसा भी हम मान सकते हैं। भाई काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन थोड़ा हैवी है आई थिंक, मेरे को लग रहा है ऐसा ही है। अब थोड़े बहुत आइटम्स को देख लेते हैं कि ये सब इस शेडर के अंदर कैसे दिखते हैं, मतलब जो रेगुलरली चीज़ें हैं ना जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते हो वो शेडर के अंदर कैसे दिखती। ओके, ये रात हो गई है फिर, अरे अगर आप इन्वेंट्री खोलते हो तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाता है यार। तो ये आपकी इंचेंटमेंट टेबल है, ओके, ये सब तो चीज़ें नॉर्मली दिख रही है इसके अंदर, नहीं इसने ना, ना इतना टेक्सचर नहीं है, मतलब इतना इफेक्ट नहीं है इन सब चीज़ों पे, इतना इफेक्ट नहीं है शेडर का, अगर होता तो मज़ा आता। अब थोड़े ब्लॉक ब्लॉक देख लेते जैसे डायमंड, एमराल्ड, गोल्ड, ओके ये सब भी देख लेते हैं। ये रहा गोल्ड, अरे नॉर्मल है भाई साहब, देख सकते हो नॉर्मल है। गोल्ड थोड़ा सा शाइन है लेकिन नॉर्मल ही है भाई। तो इस शेडर का कुछ लफड़ा ऐसा है आप सभी देख सकते हो यार, वैसे जितना एक्सपेक्ट किया था इससे उतना नहीं है ये, ओनली इसका वाटर का टेक्सचर काफ़ी अच्छा है
एंड वाटर अंदर से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा दिख रहा है मेरे को तो यार। अब पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे थोड़ा अलग ही दिख रहा है वाटर इसके अंदर। हमें थोड़ा नदी वदी है यहाँ पे तो मिल जाती तो देख लेता, लेकिन ओके यहाँ पे शायद ये रही ना। ओ भाई दूर से देख सकते हो कैसे दिख रहा है यार, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ओह अरे वाह काफ़ी अच्छा है, इसका वाटर टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं नेदर के अंदर और नेदर देख लेते हैं एक बार यार, किसका नेदर कैसा दिखेगा अपन को। मतलब टेक्सचर पैक के सॉरी शेडर के अंदर नेदर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। अरे भाई ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे यार, अगर आप इन्वेंट्री खोलते हो तो पूरा ब्लैकआउट हो जाता है यार ये तो। अरे यार ये थोड़ा गलत है, मतलब ये मेरे को पता नहीं ग्लिच है या फिर इसका फीचर है, मेरे को नहीं पता, लेकिन आप सभी बताइए कमेंट करके कि आप सभी का क्या लगता है ये सब क्या है। तो भाई पोर्टल बना दिया, पोर्टल ऐसे दिखता है देख सकते हो आप। चलते हैं इसके अंदर फटाक से और नेदर को भी फटाक से देख ही लेते हैं अब क्या है नेदर के अंदर यार। ओके बिल्डिंग ट्रेन बन रहा है देख सकते हो, ये भी कितना टाइम ले रहा है इसमें बनने के लिए। ओके लेकिन यार अभी जो माइनक्राफ्ट के वर्जन चल रहे हैं प्रेजेंट में वो भी काफ़ी सारे लेगी। अरे 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 भाई साहब, ओ माय गॉड भाई यार ये तो पूरा ब्लैक है यार। मतलब आप सभी टॉर्च किया फिर फ्लिंट एंड स्टील के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते यार। ओ माय गॉड अरे यार मतलब ज़्यादा ही थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा रियल बना दिया इसको देख सकते हो यार, कितना ब्लैक है यार, कुछ ज़्यादा ही है यार। तो भाई मैंने आप सभी को नेदर भी दिखा दिया इस वाले शेडर का, मतलब चलो शेडर के अंदर नेदर कैसे दिखता है। भाई अपन रिव्यू कर रहे हैं ना शेडर का, अपन रिव्यू करते हैं, रिव्यू कर रहा हूँ मैं अभी शेडर का है ना, समझ रहे हो आप सभी क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं कोई शेडर को अच्छा या बुरा नहीं बता रहा, मैं ओनली रिव्यूज़ करता हूँ शेडर्स का एडोन्स का कि मेरे लिए वो एडोन्स कैसे हैं। अगर मेरे लिए अच्छे हैं तो आप अपना खुद का ओपिनियन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली रख सकते हो यार, कोई रोक टोक तो है नहीं वैसे। तो यार इसका नेदर कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा है नॉट बैड, लेकिन काफ़ी तो बनाया जा सकता था इस वाले शेडर को। तो यार जैसी है वैसी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसको पॉइंट देने की, मतलब मैं इसको कितने पॉइंट देना चाहता हूँ। तो मैं इसको 10 में से मैं देना चाहता हूँ 6 पॉइंट्स। इसका वाटर टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, अगर आप नेदर देखोगे नेदर भी नो मतलब इतना बुरा नहीं है देख सकते हो, लेकिन थोड़ा ब्लैक है, लेकिन वो ब्लैक यूज़ कर सकते हो आप सभी थोड़ा रियल बनाने के लिए अपने वर्ल्ड को। मतलब अगर आप नेदर देख सकते हो कितना रियल लग रहा है देख सकते हो ये, हाँ बुरा नहीं है यार। और मैं बाकी के पॉइंट इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि यार आइटम्स में बिल्कुल भी वो नहीं है न्यू कुछ, अगर वो दिखता तो मज़ा आता था उसमें यार। मतलब वो टेक्सचर है लेकिन थोड़ा बहुत कर किया जा सकता था यहाँ के जैसे बाकी शेडर्स में होता है। तो देख सकते हो अपने हिसाब से आप कितने पॉइंट देना चाहते हो इस वाले शेडर को, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। ओके अब बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। ओके तो डिस्क्रिप्शन आप सभी को मेरे इस वाले वीडियो का चेक करना है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ मैं, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। ओके नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो लिंक आप सभी को मिल जाएगा, आप स्क्रॉल करोगे हमें लिंक मिल जाए उसके आपको क्लिक कर देना। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक और पेज खुलेगा आप सभी के लिए, आपको उस पेज पे जाना है और बस आप सभी को उस पेज पे से लिखा है कि ब्लू ब्लू टाइप का कुछ टेक्स्ट है उसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक कर तो आपको मीडिया फायर का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप बिना किसी दिक्कत के इस वाले शेडर पैक को डाउनलोड कर सकते हो। तो यार मेरे को जरूर से बताना, और ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड के साथ अगर कोई किसी को शेडर की ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो। ओके तो यार मैं मिलूंगा आप सभी को ऐसे ही कमाल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मौज करो भाई लोग।